तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्य पत्रक 4 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जो कि आपको 1 सितंबर को प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल की तरफ से। तो नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आप पढ़ लेना, हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर। बाकी आप मैथ की असेसमेंट 4 अगर नहीं कर रखे तो अपलोड है चैनल पर, विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस चीज़ को संसाधन कहा जा सकता है यदि वे है। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा फर्स्ट में। तो क्लियर है, आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे इसमें ए बी राइट है, बी बी राइट है, सी बी राइट है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, ठीक है, आंसर नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनुष्य वस्तुओं को संसाधन में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है, तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्थायित्व। क्लियर है 3 में। अगला क्वेश्चन 4, किसी देश का प्रादेशिक जल उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन का, 4 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5, गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, जीवाश्म ईंधन। क्लियर है, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 5 में। अगला क्वेश्चन 6, आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है। तो डी ऑप्शन राइट है, सामुदायिक संसाधन, ठीक है, 6 तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए, 3 लिखा हुआ कोई नहीं, तो 3 के आंसर में आप लिख देना। तो इसमें जो किया जा रहा है, कह रहा है कि ए कोई राज्य है ए और बी, ए की औसत व्यक्ति, ए में औसत व्यक्ति आय बी से अधिक है, लेकिन बी में साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है, तो ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर बहुत कम है, आप इसमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों, अपने उत्तर के 2 कारण दीजिए। तो आंसर लिख लेना, ऐसे ही आंसर हो जाएगा आपका ये, कि मैं तो इनमें से बी को अधिक विकसित मानूंगा क्योंकि आय विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ना कि संपूर्ण विकास। नंबर 2, गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए आय के अलावा अन्य जीवन के पहलू जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य एवं साफ सुथरा पर्यावरण भी जरूरी है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 4, वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्या आप सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में 3 तर्क दीजिए। तो आंसर है, हाँ हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि नंबर 1 पहला तर्क, अगर हम संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे यानी नहीं बचाएंगे तो जीवन दुर्लभ हो जाएगा, बिना संसाधन के जीवन वैसे भी चल नहीं सकता। नंबर 2, पृथ्वी पर केवल हमारा अधिकार है, बल्कि हमारा अधिकार नहीं है बल्कि सबका अधिकार है। 3, बेहतर भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर संसाधन संरक्षण करना जरूरी है, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा दोहन, ये हम सभी का दायित्व तो है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 5, मृदा अपरदन क्या है, मृदा संरक्षण के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। तो आंसर, मिट्टी की ऊपरी परत का कटना या बहना मृदा अपरदन है। उपाय में नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। नंबर 2, जानवरों की अनियंत्रित चराई पर रोक लगाओ। ऐसा भी लिख सकते हो कि पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाओ, ठीक है ना, अनियंत्रित कटाई भी। तो फिलहाल 2 ही पूछ रखे हैं, आपका आंसर हो गया, तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 5 हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करो, आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी और क्यों है। तो आंसर है, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना निम्न आधार पर की जाती है, नंबर 1 साक्षरता दर पर, नंबर 2 जन्म दर पर, नंबर 3 मृत्यु दर पर, नंबर 4 रोजगार के साधन पर, नंबर 5 नई तकनीकी पर, नंबर 6 प्रति व्यक्ति आय पर, नंबर 7 स्वास्थ्य सेवाओं पर, नंबर 8 संचार व्यवस्था पर, नंबर 9 जीवन प्रत्याशा पर। फिर लास्ट में लिखेंगे हम, हमारे अनुसार शिक्षा दर और स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे प्रमुख है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन होती है, अगर कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य है तो धन है, ठीक है, स्वस्थ ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 6, और इसी के साथ आपका असेसमेंट 4 SST कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट में, नेक्स्ट असेसमेंट के आंसर के साथ, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।